आज फहमी बताई मैंने कि एक और छोटी बहन की फसल लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक अगर पैमाना होता, एक अगर पैमाना होता, मैं खाना होता, घर चाहे वीराना होता, उनका आना जाना होता, मैं तो खुद को भूल गया था, तुमने तो पहचाना होता। आप अगर हुंकारे देते और ही कुछ अफसाना होता, हर लड़की जो लैला होती, हर लड़का दीवाना होता, दोनों मिलकर हस्ती बनते, इश्क का ताना बाना होता, काश तुम्हारे पाँव का मोज़ा फहमी का दस्ताना होता। एक अगर पैमाना हो, पैमाना वो जो शराब की गिलास को पैमाने कहते हैं, और नापने वाली कोई शय अगर हो जिसमें कोई चीज़ तौली जाए उसे भी पैमाना कहते हैं। तो एक अगर पैमाना होता, इस दुनिया में अल्लाह ने जितने लोगों को पैदा किया, अगर एक लेवल का पैदा करते, माली एतबार से, ज़हनी एतबार से, सेहत के एतबार से, सबको एक जैसी चीज़ें अगर मिल जाती, रिस्क सबको एक जैसा मिलता, कोई बहुत अमीर नहीं होता, कोई बहुत गरीब नहीं होता, एक पैमाना होता, एक तरह से सबको दे दिया जाता, तब ये मैखाना, तब ये दुनिया दुनिया होती, तब ये दुनिया जीने के लायक होती। एक अगर पैमाना होता, यहाँ पैमाने देख लो कितने किस्म के, कितने किस्म के लोग हैं, कोई अमीर है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत बेहतरीन अमीर, कोई गरीब है, फिर गरीब है, फिर गरीब है, उससे भी गरीब है, उससे भी गरीब है, उससे भी गरीब, ना तो गरीबी की कोई इंतहा है, ना कोई अमीरी की कोई इंतहा है। तो ये पैमाना तो है नहीं, ये तो किसी को मिला तो खूब मिला, बेहिसाब मिला। अल्लाह ने भी कहा कि हम जिसे चाहते हैं बेहिसाब देते हैं, और जिसे चाहते हैं बेहिसाब हम उसे नहीं देते। तो ये जो बेहिसाबी का जो आलम है, इसने दुनिया को कैसा तल्ले ऊपर करके रख दिया, ऊपर नीचे करके रख दिया, कैसा कोहराम मचा हुआ, कैसी जंगें हो रही, कैसा फसाद और फितना रोज़ पैदा हो रहा है, इसी वजह से कि पैमाना एक नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा मिला है, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। तो एक अगर पैमाना होता, मैं खाना होता, तब ये दुनिया जीने के लायक, तब ये दुनिया दुनिया कहलाने के लायक होती, तब ये दुनिया जीने के लायक हो जाती। आज देखिए किस कदर कोहराम मचा हुआ है। मैं एक अगर पैमाना होता, मैं खाना होता, घर चाहे वीराना होता, उनका आना जाना होता। भाई घर चाहे जितना भी वीरान होता मेरा, कोई बात नहीं, बस मेरे सनम का आना जाना हो जाता, यहाँ तो कोई बात ही नहीं थी, यही घर मेरे लिए जन्नत हो जाता। तो घर चाहे वीराना होता, उनका आना जाना होता, मैं तो खुद को भूल गया था। भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना अगर बहुत दिनों के बाद, तो इसमें हैरत की बात है, मैं तो खुद को नहीं पहचानता हूँ, तुम्हारी याद में तुम्हारे जाने के बाद तो बात तो मैं तो खुद को भूल चुका हूँ, अगर मैं तुम्हें भूल गया तो इसमें हैरत की बात है। तुमने तो पहचाना होता, भाई तुम्हारी तो वो हालत नहीं है ना जो मेरी हालत हो गई है। तो मैं तो खुद को भूल गया था, मैं तो अपने आप को ही भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें कैसे पहचानता, मैं तो खुद को भूल गया था, तुमने तो पहचाना होता। अरे तुम्हारी हालत तो वो नहीं थी ना, तुम्हारी तो आँखें थी ना, तुम मुझे पहचान लेते, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान सका, इसलिए कि मैं तो खुद को नहीं पहचानता। मैं तो खुद को भूल गया था, तुमने तो पहचाना होता, आप अगर हुंकारे देते और ही कुछ अफसाना होता। भाई हमने जब इजहार मोहब्बत कर दी आपके आगे, तो आप सिर्फ हूँ कर देते, इतना भी कर देते तो अफसाना ही अलग हो जाता। तो तुमने तो वो भी नहीं किया, तो मेरी ज़िंदगी का अफसाना ही कुछ और हो गया, बिल्कुल गमों में डूब गई कहानी हमारी। आप अगर हुंकारे देते और ही कुछ अफसाना होता, हर लड़की जो लैला होती, हर लड़का दीवाना होता। अगर हर लड़की बिल्कुल लैला की तरह खूबसूरत होती, लैला बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी आपको पता है, लाल काली थी वो, लेकिन उसमें कुछ हुस्न था जो मजनू को नज़र आया था, जिसकी वजह से वो दीवाना हुआ। तो अगर हर लड़की में वो बात होती, वो खूबी होती, तो हर लड़की जो लैला होती, तो हर लड़का दीवाना होता, दोनों मिलकर हस्ती बनते, इश्क का ताना बाना होता, हम दोनों मिल जाते तो एक हस्ती बन जाते हम लोग, फिर इश्क का ताना बाना भी रहता हमारे बीच में, दोनों मिलकर हस्ती बनते, इश्क का ताना बाना होता, काश तुम्हारे पाँव का मोज़ा फहमी का दस्ताना होता। ये कहते हैं ना फहमी बताई नहीं, कह शेर है कि पत्थर वत्थर भरते रहिए, गज़लें भारी हो जाती हैं। तो ये जो दो तीन इशारे हैं ना, ये वही पत्थर वत्थर ही है, सिर्फ गज़लों को भारी करने के लिए, इसमें कोई ऐसा कुछ कोई बात हमें नज़र नहीं आ रही। तो तुम्हारे पाँव का मोज़ा भी मुझे बतौर दास्ताना मुझे कबूल है, मेरे हाथ में हर वक्त रहा था, हालांकि वो तुम्हारे पाँव का मोज़ा था, काश तुम्हारे पाँव का मोज़ा फहमी का दस्ताना होता। तो जितना ज़बरदस्त अगला शेर, पहला शेर जो है, मतलब जो है, तो मक्ता आकर के थोड़ा सा धीमा हो गया ये। बहरहाल फहमी बताई नहीं कि ये गज़ल आपको कैसे लगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते फिर किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।